बलूचिस्तान की बच्चियों के साथ जो सिंध पुलिस ने जो सुलूक रवा रखा, क्या वो काबिले मुजम्मत है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम पुलने चारों का अर जाए वशो सलामत बाते आन चुके हम सर पदे के चीज जीरो चा सारी गार बेगुआए मर्दमानी बास का कराची प्रेस क्लब दिमा या के इत्तेजाजी मुजारे कुतगा बलियानी पुरा माने इत्तेजाज सरा कराची पुलिस लट्ट कोट बाजे जालबुली दसगीरम कुतगा के चीज मुजम्मत बलोच राजे आवारिया सियासी और सामाजिक मर्दमान कुतगा हमी दरगता नसीमा एहसान शाह पार्लियामेंट गप्पा इंतहाई बारा चीव शुभाइन ब्याचार ने वेडियो बले वेडियो चार बजे पी सारी वीडियो लाइक में चैनल सब्सक्राइब बिकने सलामत बातें। पाकिस्तान के शहरियों के वही हकूक हैं जो बाकी तमाम सूबों के लोगों के हकूक हैं। अगर हैं भी हमें बताया जाए, अगर नहीं हैं भी हमें बताया जाए, क्योंकि अभी पिछले दिनों जनाब आपके इल्म में है बलूचिस्तान की बच्चियों के साथ जो सिंध पुलिस ने जो सुलूक रवा रखा, क्या वो काबिले मुजम्मत है या नहीं? क्या हम बलूचिस्तान के बलूचिस्तान वाले गुनाहगार इसलिए हैं कि हम बलूचिस्तान में पैदा हुए हैं? खा बलूचिस्तान के कोई भी हो, शहरी बलोच हो या पख्तून हो या कोई भी हो, क्या उनकी भी उसी तरह के शहरी हैं जिस तरह बाकी तमाम सूबों के हैं? अगर हैं तो हमारी बच्चियों के साथ ये सुलूक क्यों? बलोच बच्चियों के चादरें तक सर से उचाली गई हैं, उन्हें घसीट कर जनाब गाड़ी में रखा गया, पुलिस वैन में रखा गया। उनका कसूर यही है कि वो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। जनाब अगर उन बच्चियों ने जिसका हाइन ने उन्हें इजाजत दी है पुर हम एहतजाज के लिए, अगर उन्होंने एहतजाज किया, कोई गुनाह नहीं किया है, तो उनके साथ ये सुलूक क्यों? हमें जवाब दिया जाए जनाब। इस ये नहीं है कि यहाँ हाउस में आकर मैं कुछ कहूंगी या फिर इस जानिब से कोई कुछ कहेगा, इस जानिब से कोई कुछ कहेगा और आगे से हमें जवाब मिलेंगे कि ये सिंध गवर्नमेंट इसको मतलब आगे लेकर जा रहा है। नहीं, सिंध गवर्नमेंट हो या कोई भी इदारा हो जनाब, सिंध पुलिस हो, उनको माफी मांगनी चाहिए उन बलूचिस्तान की बच्चियों से जिन्होंने जिनके बाप भाई बेटे जो गायब हो चुके हैं, जो है नहीं इस वक्त उनके सामने, उनको ये भी नहीं पता कि वो जिंदा हैं या मर गए हैं।